दोस्तों मैं आपको आज अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों हमने पहले लेक्चर में अपना सारा सिलेबस क्लियर कर दिया है, रीजनिंग में कहां से क्या आएगा, कौन कौन सा चैप्टर है जैसे हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों कम से कम अल्फाबेटिकल सीरीज को ख़त्म होने में लगेंगे 3 दिन। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे पहले पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज पर ही आधारित हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग जो सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा ही हर पेपर में आते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 2 या 3 क्वेश्चन तो अवश्य हर पेपर में आते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है। ये होती है ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक मेरे का सारे साथी ए बी सी डी अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही पहले। तो अब आप कहेंगे कि ये दोबारा पढ़ना क्यों जरूरी है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ए बी सी डी हमें इस तरीके से नहीं पढ़नी जैसे हमने पहले पढ़ी। अब ये हमें देखना है इनकी पोजीशन वाइज, ए की पोजीशन कौन सी है, बी की कौन सी है, सी की कौन सी है, एक्स की कौन सी है, वाई की कौन सी है, जेड की कौन सी है। पोजीशन वाइज हमें याद करना है। अगर आप बताते हो जैसे मैंने पूछा जी की कौन सी है, तो आप ऐसे बताते हो ए बी सी डी ई एफ जी मतलब 7, तो आप सभी बच्चों से बहुत पीछे हो। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि एफ की कौन सी है 6। जैसे ही कोई सवाल पूछे आप तुरंत जवाब दें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एक लेफ्ट साइड और एक होती है आपकी राइट साइड, लेफ्ट और राइट। ये होता है आपका बायां साइड और ये होता है आपका दायां साइड। ऐसे आप खा रहे हो, जो आपका राइट वो इसका राइट, जो आपका लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो आपका दायां वो इसका बायां, जो आपका बायां वो इसका बायां। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हिंदी में मेरे सारे साथियों को, अधिकतर साथियों को इसमें यह परेशानी होती होगी कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, दायां साइड कौन सा है, बायां साइड कौन सा है। तो एक थोड़ी सी छोटी सी हिंट मैं देना चाहता हूँ। दायां साइड किसे कहते हैं, अधिकतर मेरे साथी जितने भी हैं सभी सीधे हाथ मतलब राइट हैंड से ही खाना खाते होंगे। अधिकतर जितने भी साथी हैं राइट हैंड से ही खाना खाते होंगे। थोड़े से अपवाद उनमें वो भी होगा जो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है या लेफ्ट साइड से ज्यादा काम करता है, लेकिन हम उनको लेके चलते हैं जो राइट हैंड से ही सारा काम करते हैं। तो दोस्तों सीधे हाथ से खाना खाने वाले कौन सा हो गया, दायां हाथ। अब आपको हो गया क्या, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं, सीधे हाथ से खाने खाने वाला दायां हाथ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आप दाल के साथ से खाते हो, दाल इक्वल टू दाया, ये है ट्रिक। जिस हाथ से आप दाल खाते हो वो कौन सा हाथ होता है आपका, दाया हिंदी में। तो जब सीधा हाथ आपका दाया हो गया, दाल खाने वाला हाथ आपका दाया हो गया, तो बायां हाथ कौन सा हो गया, बायां हाथ खैर हाथ हो गया। ये तो सीधी सी बात है, अब आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगा दायां और बायां में, दायां हाथ
कहा है और समय दायां से, तो दायां से चलेंगे हम, सॉरी बायां से, तो बायां से हम चलेंगे दायां की ओर। ठीक है मेरे साथ कैसा है? और उसने कहा दायां से, तो दायां से हम चलेंगे बायां की ओर। कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया क्या? दायां क्या, बायां से समझ में नहीं आया। अगर उसने कहा है लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो लेफ्ट से तो मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी सी से लेके जेड तक। अगर उसने कहा है दायां से, तो दायां से का मतलब हो गया जेड से लेके ए तक। आया समझ में? अगर दायां से चालू करता है तो पीछे से चलेंगे, मतलब दायां से बायां की ओर। अगर बायां से शुरू करता है तो बायां से दायां की तरफ। कैसे? लेफ्ट से राइट की ओर। अगर बायां से बोलता है तो, और अगर उसने बोला कि दायां से बायां की ओर, तो राइट से लेफ्ट की ओर। आया कुछ समझ में दोस्तों? राइट से लेफ्ट की ओर, दायां से चलेगा तो बायां की ओर आएगा, बायां से चलेगा तो दायां की ओर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है पोजीशन बेस। ये दायां बायां तो आप क्या क्या होगा समझ में, दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। दायां हाथ मतलब दाल खाने वाला हाथ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ एन का नंबर कौन सा है, ओ का नंबर कौन सा है, पी का नंबर कौन सा है, क्यू कौन सी आती है, एम एल ओ पी क्यू, फिर बताता हूँ। देखिए साथी, मैंने पूछा एम की पोजीशन कौन सा है, मतलब एम कौन सी जगह आता है, एन कौन सी जगह आता है, पी कौन सी जगह आता है, क्यू कौन सी जगह आता है, आर कौन सी जगह आता है, टी कौन सी जगह आता है। आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैं पूछा एम कौन सी जगह आता है, तुरंत बोलोगे एम आता है पहले नंबर पर। पर ये प्रैक्टिस होगी कैसे, ये देखिए इसका एक है फॉर्मूला जो सभी करवाते हैं, कॉमन है ये, जो टी सभी करवाते हैं, ये कॉमन है। ये सभी क्यों करवाते हैं? ये सभी इसलिए करवाते हैं ये जो टी मतलब हर पांच के बाद, हर पांचवा इसमें आ जाएगा, हर पांचवा। कैसे? पी पांच पे, जे दस, ओ पंद्रह, टी बीस, वाई पच्चीस। आया उसमें जो है हर पांचवा इजोरिटी में आ जाएगा। जब इजोरिटी में पांचवा आ जाएगा तो उससे पहले चार आते हैं, उससे पहले बता देंगे हम। ठीक है ना? आया उसमें जो है कैसे ई पांचवा, जैसे हम यहां ले लेते हैं एम, एम कौन सी जगह आता है हमारा, ओ से पहले आता है और जे के बाद आता है।
वाला कौन सा होता है यू, तो ये कौन सी जगह हो गया एक्स वाई से ए के पहले, कौन सा होता है एक्स वाई से ए के पहले, वाई कौन सी पोजीशन पर 25, तो कौन सी जगह हो गया 24, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स 24 पर, डब्ल्यू कौन सी जगह हो गया 23 पर, 23 बी टी यू बी टी 20 यू 21 बी 23 मतलब 23 कौन सी जगह है यू बी बी 22 पे, ठीक है डब्ल्यू 23 पे आ गया 23 पे बी आ गया आपका 22 पे टी यू बी मतलब 20 21 22 ठीक है। अब आ जाएगा आपका एफ, एफ ई के तुरंत बाद एफ ई कितने पे 5 पे, एफ कौन सी जगह हो गया था 6 पे अर्थात 6 पे, फिर हो गया आपका जी 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 कौन सी जगह है जी 7 जी 7 हमारे जैसे भी वो है ना एक संगठन वो शेयर हो गया जी 7 जी 8 था पहले तो जी 7 हो गया जी 7 ये आपको कंफर्म हो गया ना इजोटी से। अब आपको फिर सिल्वर नहीं आया कुछ कुछ अच्छा ही नहीं है इसमें क्या है पहले एन ए आ रहा हो फिर उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा ये आपको सबसे पहले जो भी बंधन नया पढ़ रहा है जो रीजनिंग नहीं चालू कर रहा है उसके लिए बहुत ही हार है उसको याद कराने के लिए मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि हमारी रीजनिंग रहेगी बेसिक टू एडवांस। इसमें काफी बच्चे ऐसे रहेंगे जो बच्चे अभी नए पढ़ रहे हैं जो नए नए भी रीजनिंग चालू किया है, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो इसमें कई बार रीजनिंग पूरी भी कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उनको देख के पढ़ा रहा हूँ जो अभी नई चालू कर रहे हैं, उनके लिए ये कैसे याद करेंगे कैसे क्या करेंगे उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे ये इजोटी से तो बुझेगा ना यार कैसे हुआ ऐसे नहीं हुआ बताता हूँ इसके लिए। इसके लिए आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा, इंग्लिश की बुक लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लो कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड जैसे आई एम कैसे करोगे इसे ऐसे ही इंग्लिश की 4-5 लाइन ले लो लिखी हुई पूरी पैराग्राफ ले लो एक 4-5 लाइन लगातार 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो आपको ये मौजूदा याद हो जाएंगे। जैसे आई का मतलब 9 ए का मतलब 1 एम का मतलब 13 जी का मतलब 7 ए का मतलब 1 यू का मतलब 21 आर का मतलब 18 ए का मतलब 1 22 बी 22 का क्या होगा बी ऐसे याद हो जाएंगे पैराग्राफ से। आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है जिससे कि आपको याद हो सके। और मैं एक और थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है याद कर लीजिए थोड़ी सी ट्रिक है बस ज़्यादा बड़ी नहीं है जो कि अक्षरों में से ही बन के तैयार हो जाती है। ये इजोटी तो आपका है ही रामबाड़ इसे तो कोई फेल कर ही नहीं सकते रामबाड़ है ये तो हमेशा चलेगा इजोटी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है कि ए गिनो फिर एक पे बी सी डी ई एफ ऐसे गिन के करोगे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे, ये आपको याद ही करना है। आज का काम आपका यही रहेगा इन्हें याद करने का, ठीक है दोस्तों। देखिए ए का मतलब 1 बी का मतलब 2 सी का मतलब 3 ये तो शुरुआत है ये तो वैसे ही आपको पता हो ये तो याद करने पड़ेंगे। बी का मतलब 4 ई का मतलब 5 ई इज ऑब्वियस है 5 आ गया, ठीक है।
कभी भी भूलने वाले नहीं हो, ये आपको हमेशा याद आता रहेगा। H H क्यों I I तो परेशानी ऐसे तो नहीं हुई है ना हमारी आई, यहाँ से थोड़ा सा भटक गया ये आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका I H I I क्यों J J कौन सा आपका पेन इजोटिक पेन, जी हमारा इजोटिक याद हो गया जी पेन। जे के बाद के की कैसे बना हुआ है, ऐसे तो है दोनों बीच ऐसे मिला दो और ये यहाँ से है बता दो, ये आपका हो गया के इलेवन, कौन सा हो गया के इलेवन हो गया ना। जे के बाद आपका हो गया एल, हो गया सर एल, एल कौन सा नंबर का हो गया एल मतलब ट्वेल्व, कुछ लिख रहे हैं हम एल ट्वेल्व, एल ट्वेल्व मतलब एल ट्वेल्व हो गया ना, हमें एल कौन सी जगह आपका हो गया एल ट्वेल्व, ठीक है। अब एल के बाद आपका हो गया एम, एम 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 और एन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एम 13 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, एम और एम और एन 13 और 14, थोड़े बहुत इसमें ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे जिनकी कोई भी ट्रिक है ही नहीं, ठीक है, जिनकी है मैं आपको बता रहा हूँ। एम एन, एम के बाद फिर हो गया आपका ओ, वो तो आपका इजोटी में है ही, ओ आपका इजोटी में है ही, ओ 15, ओ के बाद फिर आपका हो गया पी, एम एन ओ पी, ओ के तुरंत बाद पी, ओ के तुरंत बाद आपका हो गया पी 16, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका हो गया एम एन ओ पी, ओके बाद पी। अब ये मैं थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ जो ठीक हो, जिससे आपको और भी वर्ड पता चल सके, ठीक है दोस्तों।
है तो आपने टी ट्वेंटी टन ट्वेंटी मैच जाता है टन ट्वेंटी जो उसको उसको जो आपने टी ट्वेंटी वैसे भी हमारी मेजोरिटी में भी टी ट्वेंटी था मेजोरिटी से याद किया था हमने आपको याद हो तो टी ट्वेंटी टी है यू यू देखो यू हमारा कैसे बनता है ऐसे यू बना सकते हैं ना तो देखिए मतलब यहां से हमने थोड़ा सा घटा दिया तो ये क्या हो गया आया वो समझ में ये हो गया हमारा 21 कौन सा हो गया ये 21 मतलब 21 ऐसे ही यू की तरह ही बी बनता है हमारा बी बी 22 कैसे याद कर लो इसे या तो यू के तुरंत बाद बी 22 ऐसे याद कर लो या फिर ये जो मैंने बनाया है ऐसे याद कर लो बी 22 ठीक है बी 23 बी का कौन सा हो गया 22 22 बी के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा क्या है ये देखिए एम एम उल्टी एम थी ना जैसे हमने ऐसे घुमा दिया तो ये 13 हो गया ऐसे हमारे डब्ल्यू का डब्ल्यू ये उल्टा 3 है ये भी तो इसके भी थोड़ा सा इधर घुमा देंगे और एम के बाद है तो ये हो जाएगा 23 ठीक है दोस्तों वी डब्ल्यू अधिकतर
अधिकतर बच्चे या जो भी हैं वो सभी दाएं हाथ से ही दाल खाते हैं, मतलब सूदे हाथ से दाल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, सूदा हाथ आपका कौन सा हो गया? दाया। हिंदी में ऑटोमेटिक उल्टा हाथ तो आपका बायां हो ही गया, दाया और बायां में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपसे बोला जाता है बायां से, जब आपसे यहां बोला गया बायां से, तो आप चलोगे दाया की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट। जब आपको आपसे बोला जाए दाया से, तो आप चलोगे दाया से बायां की ओर। ठीक है दोस्तों, दाया से बायां की ओर मतलब राइट टू लेफ्ट। जब आपसे पूछा जाए बायां से अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो आप चलोगे ए से जेड की ओर, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, जब आपसे पूछा जाए दायां से, तो आप चलोगे जेड वाई एक्स सी वी ए, मतलब जेड से ए की ओर। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या पढ़ाया आपको, इज ऑफ टी, इज ऑफ टी, तो इज ऑफ टी का क्या हो गया, इज ऑफ टी हो गया ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। इज ऑफ टी भी आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये इज ऑफ टी हो गया, ये हो गया, मैंने आपको सारा रिवीजन करा दिया और आपको वो बता दिया कैसे उसमें नंबर में याद करनी है ट्रिक के द्वारा। आपका काम ये रहेगा इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़िए, एक इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ाने के बाद उसका रिवीजन करिए, कम से कम 4 या 5 लाइन आप देख लीजिए, उसमें उनके अक्षरों की पोजीशन सभी की लिखिए। जैसे ही आप दूसरी या तीसरी लाइन पर पहुंचोगे आपको ये मौजवान याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट से 20 मार्क, लेफ्ट से 23 मार्क, लेफ्ट से 18 मार्क, लेफ्ट से 15 मार्क, लेफ्ट से 12 मार्क, लेफ्ट से 10 मार्क, लेफ्ट से 8 मार्क, लेफ्ट से 13 मार्क, लेफ्ट से 17 मार्क। दोस्तों आज मैं केवल आपको लेफ्ट का ही बताऊंगा, राइट का बताऊंगा आपको कल, अगर मैं राइट का आज ही बता दूं तो भसड़ हो जाएगी आपका, आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, देखिए लेफ्ट से 20 मार्क कौन सा हुआ, लेफ्ट से 20 से यार अभी तो याद करवाया था टी ट्वेंटी, लेफ्ट से 23 मार्क अभी तो याद करवाया यार, एम का उल्टा डब्लू, एम का उल्टा डब्लू, थ्री जो बनती है, तीन जो बनती है केवल दो अक्षरों में बनती है, एक एम में और एक डब्लू में तो बनती है, एम में बनती है एम 13, डब्लू बनती है डब्लू 23, दूसरी बात डब्लू बनती है 23 हो गया, 13 हो गए, नहीं आया समझ में। अगर थ्री पहली बार बनेगी तो वो बनेगी आपकी 13 मतलब एम में, डब्लू ऊपर की ओर बनेगी दोबारा बनेगी तो हो जाएगा 23, दोबारा बनेगी तो 23, आया ना समझ में, डब्लू 23 18 मैं आपको भी बता चुका हूं, मतलब आर अठार है ना समझ, मतलब आर
आज कैसे बना हुआ है हमारा? ऐसे तो बना हुआ है, कुछ बना दिख रहा कुछ? एच कौन सा हो गया? एच 13 वही थ्री वाला मैंने बताया था अभी, थ्री थ्री के आगे अगर एक आ जाए तो एम, थ्री के आगे दो आ जाए तो डब्ल्यू। भाई थ्री हमारे केवल दोनों ही तो बनते हैं, एम में और डब्ल्यू में। थ्री के आगे एक आ गया तो मतलब एम। सत्रह लेफ्ट से सत्रह कौन सा होगा, बाया से सत्रह कौन सा होगा? अब यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई। लेफ्ट से सत्रह कौन सा होगा? लेफ्ट से सत्रह हुआ पंद्रह के बाद दो गई, तो पंद्रह का कौन सा है ओ, ओ के बाद पी क्यू, कौन सा हो गया क्यू। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपके हुए थोड़ा सा मैंने आपको जनरली अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में ये काम बता दिया। आपका काम है कल इन्हें याद करके आने का। पैराग्राफ जरूर पढ़ें, पैराग्राफ आप जितना करोगे उतना ही प्रैक्टिस आपको होगी। मैं थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। आगे की क्लास होगी हमारी कल। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 23, ये आपको है होम वर्क। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको दूसरा लेक्चर ले लिया है, मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।